हेलो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा बीएसटी का, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, यानी कि बिजनेस एक्टिविटीज को हम कितने मतलब पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था कि या तो क्या होगा कि मैन्युफैक्चरिंग होगी, या फिर क्या होगा, जो भी एक बार प्रोडक्ट बन गया है उसको रीसेल किया जाएगा, यानी है ना। तो रीसेल होता है होलसेलर रिटेलर के थ्रू, और एक जगह क्या होता है प्रोडक्शन। बेसिकली तो ये तीन पार्ट है। ठीक है, अब इसको अपन थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके थोड़ा सा इसको एक वाइड स्केल पर अपन इसको देखते हैं। तो जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज को मैंने टू पार्ट्स में हम लोगों ने मतलब टॉपिक में टू टाइप से डिवाइड किया गया है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ठीक है, इंडस्ट्री मीनिंग जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है प्रोडक्ट की, एंड कॉमर्स यानी कि जहां पर रेडीमेड जो प्रोडक्ट को रिसेल किया जाता है ना। तो अब जैसे इंडस्ट्री को भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट है प्राइमरी, सेकेंड है सेकेंडरी, एंड थर्ड है टेरिटरी। ठीक है, जिसे सर्विस सेक्टर भी जानते हैं, राइट। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, इंडस्ट्री में जो प्राइमरी सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज लगी होती है, वो उनका जो बिजनेस होता है वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज होती है ना। और एक होती है जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है, जो अर्थ वाटर और एयर इनको एक्सट्रैक्ट करके जो प्रोडक्ट बनते हैं उन्हें अपन एक्सट्रैक्टिव बोलते हैं, जिन्हें नेचुरल सोर्सेज से भी जो चीजें हमें मिलती हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, वो इंडस्ट्री कहाँ आती है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में, है ना। तो जैसे ये है माइनिंग, फिशिंग, फार्मिंग, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। फिर है जेनेटिक इंडस्ट्रीज। जेनेटिक इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है, ये जो कंसर्न रखती हैं प्लांटेशन से और पोल्ट्री फॉर्म्स होते हैं जो, है ना, इसके अलावा सैपलिंग डेयरी प्लांटेशंस, तो इस तरह के जहाँ पर ये प्रोडक्ट होते हैं, जहाँ सीधा अपन को मतलब या तो नेचुरल रिसोर्सेज से अपन को प्रोडक्ट मिलता है, या फिर आपको सीधा नेचर से आपको कोई प्रोडक्ट मिलता है, तो उसे जेनेटिक इंडस्ट्री में अपन कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी। जो सेकेंडरी सेक्टर है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है प्रोडक्ट की। मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, जैसे यहाँ तो क्या था, हमने सीधा जो नेचर से हमें मिल रहा है उस नेचर से मिले हुए प्रोडक्ट को हम यूज कर रहे हैं, है ना। यहाँ सेकेंडरी में क्या है कि जो नेचर से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है या उसको हम मैन्युफैक्चर करके उसको एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी रॉ मटेरियल नहीं, कि जो भी चीज, जैसे लाइक शुगर कैन है, तो शुगर कैन से ही क्या बनती है, शुगर बनती है। अब उसको प्रोसेसिंग करके तभी तो शुगर बनाया जाएगा। अब वो नेचुरल रिसोर्स है, वो नेचुरल भी यूज में आता है, यानी उसको गन्ना वैसे भी खाया जाता है, और वो उसको प्रोसेसिंग करके सेकेंडरी मार्केट में हम उसको जब सेल करते हैं तो वो शुगर के फॉर्म में जाकर सेल होता है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज वो है, वो इंडस्ट्रीज है जहां पर जो भी रॉ मटेरियल है उसको प्रोसेसिंग करके एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाया जाता है, ताकि फर्दर उसका यूज में लिया जा सके। ओके, तो यहाँ पर रॉ मटेरियल से हम जो प्रोडक्ट को फिनिश गुड्स में इसके अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे पेपर हो गया, आयरन हो गया, स्टील, लेदर, प्लास्टिक, ये इसमें आते हैं। फिर है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है, जहां पर हम कुछ चीजों को मिलाकर कंस्ट्रक्शन करते हैं, लाइक जैसे रोड का कंस्ट्रक्शन करना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना, तो ये जहां मतलब सेकेंडरी, यानी जो ऑलरेडी कहीं पर यूज में आ रही हैं चीजें और उनका फिर हम सेकेंडरी यूज करते हैं, तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में कैटेगराइज होता है। ठीक है, यानी दिस इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सच एज बिल्डिंग, राइट, रोड, ब्रिजेस, एटसेट्रा। ठीक है, दिस इंडस्ट्री यूज गुड्स मैन्युफैक्चर बाय अदर इंडस्ट्रीज सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिक्स, सीमेंट्स, एटसेट्रा। तो इस तरह का जो ये इस तरह का जो सेक्टर है वो किस में आएगा, सेकेंडरी में। नेक्स्ट है अपना टेरिटरी और सर्विस, यानी कि बिना किसी भी इंडस्ट्री में यदि सर्विस सेक्टर नहीं हो तो वो काम अपना स्मूथली नहीं कर सकता, क्योंकि रॉ मटेरियल किसी एक जगह तो होगा नहीं,
कहीं पर होगा और उसके उसके नीड कहीं पर होगी, तो वहां तक आना जाना, तो इस तरह के मतलब काफी सारी चीजें हैं जहां पर हमें सर्विस सेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? फर्स्ट ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन से हम जो रॉ मटेरियल है या हमारा फिनिश गुड्स है उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। तो बिना ट्रांसपोर्टेशन के तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकती। तो ये एक तरीके के हमारे जो भी बिजनेस में प्रॉब्लम्स आती है, हिंड्रेंस आती है, उन हिंड्रेंस को ये दूर करता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशन यानी कि ये हमें एक कम्युनिकेशन के सोर्सेज प्रोवाइड करता है। कम्युनिकेशन के सोर्सेज कैसे प्रोवाइड होंगे? लाइक आपकी जो चीज़ों को एडवर्टीजमेंट के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू अपने जो कस्टमर तक पहुंचाना, ठीक है, और उनके कस्टमर तक पहुंचाना और इनकी डिमांड को क्रिएट करना, करने का काम कम्युनिकेशन सेक्टर करता है हमारा। और फाइनेंस, फाइनेंस सेक्टर में बैंक आ गया आपका, है ना, या ऐसे जैसे फाइनेंसिंग, कई ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, राइट। ऐसे बैंकिंग सेक्टर हमारा बैंक जो मनी ट्रांजेक्शन्स को हैंडल करता है, एंड इंश्योरेंस सेक्टर जो हमारे जो गुड्स हैं उनको इंश्योर्ड करके हम सेफ रह सकते हैं। तो ये टेरिटरी सेक्टर हो गया, ठीक है। फिर है कॉमर्स सेक्टर। आपको एक तो इंडस्ट्री हो गया, इंडस्ट्री में तो सारा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आ गया, यानी कि एक तो ऐसा इंडस्ट्री का एक सेगमेंट है जहां प्राइमरी यानी जो सीधा नेचुरल रिसोर्सेज को हमें प्रोवाइड करता है ना, इसमें एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आ गई जो एक्सट्रैक्ट करती है, एक्सट्रैक्ट यानी चाहे वो अर्थ को एक्सट्रैक्ट कर रही है, चाहे एयर को कर रही है, चाहे वाटर को कर रही है। और जेनेटिक, जेनेटिक यानी कि जो सीधा हमें एनिमल से और नेचुरल से, मतलब एनिमल से हमें जो चीज मिल रही है, या जैसे सब अब वेजिटेबल है वो भी क्या है, मतलब अपन को सीधा ही वेजिटेबल तो इसमें आ जाएगा। जेनेटिक में यानी कि हमें जैसे दूध हम ले रहे हैं या फिर पोल्ट्री फॉर्म से जो हमें सर जो चीज प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो क्या है, सारे जेनेटिक इंडस्ट्री में आते हैं। सेकेंडरी यानी कि जहां प्राइमरी के बाद सेकेंडरी यानी कि सीधा अब हम यहां पर चीजों को यूज नहीं कर रहे, इन चीजों को हम प्रोसेस करके दूसरी चीजें बनाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश गुड्स में और उनको यूजफुल बनाया जाता है। कंस्ट्रक्शंस में, कंस्ट्रक्शंस में यानी बहुत सारी जो चीजें हैं जो हमें प्राइमरी सेक्टर से मिलती हैं उनको कंस्ट्रक्ट करके हम एक नया एलिमेंट बनाते हैं जिसमें बिल्डिंग हो गया, रोड हो गई, सड़क हो गई, राइट। ये टेरिटरी यानी सर्विस सेक्टर वो है जो हमारे बिजनेस में बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो भी बिजनेस के हिंड्रेंस आती हैं उनको रिजोल्व करने में, ठीक है। तो इनमें कौन कौन सी चीजें ये आपको मैंने बताई दी है। फिर नेक्स्ट जो अपना नेक्स्ट सेगमेंट है वो है कॉमर्स। कॉमर्स को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। फर्स्ट ट्रेड को पढ़ते हैं अपन। ट्रेड क्या है? ट्रेड, ट्रेड का मतलब ये है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो प्रोडक्ट है उनको एक चैन के थ्रू, जो ट्रेडिंग ट्रेड साइकिल है उसके थ्रू कहां तक पहुंचाया जाता है? कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। तो इसको भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो है इंटरनल ट्रेड और एक है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड यानी कि जब हमारे कंट्री में ही मान लो प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा रहा है थ्रू होलसेलर रिटेलर, है ना, थ्रू होलसेलर एंड रिटेलर, तो वो हमारे कंट्री के लिए यानी कि विद इन आवर कंट्री, एक से लिमिटेशन है कि विद इन कंट्री यदि ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग यानी जो गुड्स एंड सर्विस को प्रोवाइड करना ना, एक वन हैंड टू अनदर हैंड, जब चीजें जाती हैं यानी सेलर और बायर होते हैं, वो सेलर और बायर एक ही कंट्री के हैं, तो वो क्या होगा? इंटरनल ट्रेड। और यदि एक कंट्री का दूसरी कंट्री से मान लो ट्रेडिंग चल रहा है तो वो क्या होगा? एक्सटर्नल ट्रेड। तो जिसको अपन बोलते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। यू नो वेरी वेल इम्पोर्ट, इम्पोर्ट क्या है? यानी कि जब हम अपनी कंट्री में अदर कंट्री से यदि कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं तो वो यानी मंगाते हैं या फिर यू समझो परचेज करते हैं तो वो क्या है? इम्पोर्ट। और यदि हम अपना प्रोडक्ट अदर कंट्रीज को सेल करते हैं दिस इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। एंड इंटरपोर्ट मीन्स जब हम कोई चीज इम्पोर्ट करते हैं और उस चीज से हम असेंबल करके एक नया प्रोडक्ट बनाकर यदि हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? इंटरपोर्ट, है ना। तो इस तरह के तीनों टर्म्स हैं। तो ये हो गया एक्सटर्नल ट्रेड यानी कंट्री टू कंट्री जब ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, यानी इंट्रा कंट्री यदि होगा तो एक्सटर्नल ट्रेड और इंटर कंट्री होगा तो इंटरनल ट्रेड। फिर है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज का मतलब क्या है?
वही हेल्पिंग हैंड्स जो हमारे बिजनेस को हेल्पफुल बनाते हैं। अब इसमें है जैसे ट्रांसपोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम क्या करते हैं प्रोडक्ट को, क्योंकि हमारा जो कंज्यूमर है वो एक जगह पर तो है नहीं, वो मतलब वो काफी दूर दूर जगह पर है, यानी कि हमारा कंज्यूमर कंट्री में सिटी में भी हो सकता है तो विलेजेस में भी हो सकता है। अब किसी चीज को, कोई मान लो चीज मैन्युफैक्चर हो रही है बॉम्बे में, अब उस प्रोडक्ट को हमें पूरा ऑल ओवर हमें उसको स्प्रेड करना है तो हम कैसे करें, तो विदाउट ट्रांसपोर्टेशन तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट का क्या रोल हुआ, ए प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाना। फिर है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ये वो सेक्टर है जो कि एजुकेट करता है आपके कंज्यूमर को अबाउट आर प्रोडक्ट और सर्विस, तो उनके बारे में बताता है कम्युनिकेशन के थ्रू। फाइनेंस, फाइनेंस वो सेक्टर है जो कि बिजनेस को रन करने के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करता है ना, यानी ऐसे फाइनेंस कंपनीज हैं जो कि लोन प्रोवाइड करती है, तो वो किसमें किसमें आ गया, वो फाइनेंसिंग में। इंश्योरेंस सेक्टर वो है जहां पर हम इंश्योरेंस करा के अपने प्रोडक्ट को, यदि हम एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं तो भी हमने यदि इंश्योरेंस करा लिया तो हम अपने रिस्क को कवर कर लेते हैं। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, रिस्क को कवर करना, क्योंकि बिजनेस रिस्क यानी कि जो फ्यूचर में जो रिस्क कभी हो सकता है, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। और बिजनेस ऑल्सो हमारी फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटीज है, फ्यूचर में बिजनेस में लॉस होगा प्रॉफिट होगा वी डोंट नो अबाउट दिस ना, तो हम क्या कराते हैं इंश्योरेंस कराते हैं कि मान लो हम ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर या फिर किसी और चीज से यदि हमारा गुड्स डैमेज होता है तो हमें उसका कंपनसेशन मिल जाए थ्रू इंश्योरेंस कंपनी, राइट। तो ये इंश्योरेंस कंपनी का इंपॉर्टेंट रोल है। मार्केटिंग, मार्केटिंग का मीनिंग ये है, मार्केटिंग जैसे हम कई ऐसे स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोडक्शन हाउस होते हैं जहां पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, लेकिन उनके पास मार्केटिंग के मतलब तो उनका या तो ये समझो कि उनकी उतना मान लो नया कोई स्टार्टअप है तो उन्होंने कोई प्रोडक्ट बनाया तो उनके तो अभी मार्केटिंग ही सेट नहीं है। तो मार्केटिंग सेक्टर वो है जो उनके प्रोडक्ट को बिकवाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि हमारा जो किसान है अब वो उन्होंने खेती की है ना, अब उसको बेचना है उनको, अब उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि उसको सेल करें वो, तो वो क्या करते हैं वो ऐसे लोगों को सेल करते हैं जो आगे फर्दर वो सेल करते हैं और उनको वो एक मुश्त अमाउंट उनको मिल जाता है ताकि वो अपनी फर्दर और प्रोडक्शन में वो लग जाते हैं। तो ये मार्केटिंग, मार्केटिंग मतलब प्रोडक्ट को बिकवाने का काम करते हैं। वेयर हाउसिंग क्या है, वेयर हाउसिंग वो वेयर हाउसिंग मतलब स्टोरेज, स्टोरेज यानी कि आपके प्रोडक्ट को स्टोर रखने का की जगह, जैसे कि हमने कोई चीज मान लो प्रोडक्शन प्रोडक्शन आज हो रहा है उसका, लेकिन ऐसे कई सारे प्रोडक्ट हैं जिनका प्रोडक्शन तो आज हो रहा है क्योंकि रॉ मटेरियल हमें अभी मिल रहा है, लेकिन उसको यूज किया जाता है पूरे पूरे 12 मंथ, तो पूरे 12 महीने तक उस प्रोडक्ट को स्टोर करके रखना, यदि मान लो मैन्युफैक्चरर खुद ही स्टोर करेगा तो वो और प्रोटेक्शन कहाँ से करेगा। तो वेयर हाउसिंग उन प्रोडक्ट को सेफ रखता है जब तक कि वो सेल नहीं होते, तो ये वेयर हाउसिंग का काम है, ठीक है।